देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। इंदौर के आजाद नगर में दवाई की दुकान की जमीन पर लगे हिंदू संतों के फोटो पर बजरंग दल इंदौर विभाग भड़का है और खुलकर विरोध प्रकट किया है। बजरंग दल ने आजाद नगर थाना प्रभारी को लिखित में शिकायत दर्ज करवाकर चेतावनी दी है कि संतों के अपमान करने वाले मेडिकल संचालक के आरोपी पर तुरंत रासुका की कार्रवाई की जाए और उसका मेडिकल बंद कर लाइसेंस रद्द किया जाए। अगर प्रशासन पिछले 24 घंटे में मेडिकल संचालक पर किसी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता है तो बजरंग दल इंदौर विभाग अपनी शैली में जवाब देगा। ध्यान रहे, दो दिन पूर्व आजाद नगर थाना अंतर्गत आने वाले मेडिकल पर हिंदुओं के आराध्य संतों के फोटो को पैरों के नीचे रखकर उनका अपमान किया जा रहा था, जहां जगन्नाथ जिला के बजरंगी राहुल पांडे और उनके साथी जब मेडिकल पर दवाई लेने गए थे तब यह घटना देखी थी। तो उसका विरोध किया तो मेडिकल संचालक ने संतों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की और संत समाज का घोर अपमान किया, जिस पर तुरंत इस बात की जानकारी उन्होंने प्रांत मंत्री सोहनजी विश्वकर्मा, विभाग मंत्री रविजी कसेरा और बजरंग दल इंदौर विभाग संयोजक तनुजी शर्मा को दी। तो उन्होंने तुरंत प्रशासन के वरिष्ठ पदाधिकारियों से चर्चा कर सूचित किया, जहां थाना आजाद नगर प्रभारी मौके पर पहुंचे और मेडिकल संचालक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कार्रवाई की, जहां बजरंगियों ने प्रशासन को चेतावनी देकर कहा कि ऐसे लोगों पर प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे तो इंदौर शहर में शांति भंग और सांप्रदायिक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके खिलाफ प्रशासन तुरंत रासुका के तहत कार्रवाई करे और मेडिकल बंद कर लाइसेंस रद्द करे। ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कॉमेंट करना ना भूलें। न्यूज़ टीवी इंडिया पर।